गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए पार्ट 3 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो हमने पहले पार्ट में एसिड्स के बारे में डिस्कस किया, दूसरे पार्ट में हमने बेसिस के बारे में डिस्कस किया। आज हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको आप एक पॉइंट बना लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज of acids। अब properties ये चीज वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी substance के बारे में आपको बताती हैं बहुत अच्छे से। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे अगर बताया जाए sugar, sugar क्या है, तो sugar का physical property क्या हो गया कि वो सबसे पहले तो मीठा taste का होगा, उसके बाद हमारे पास वो available crystal में होता है, पानी में वो पूरा soluble होता है, like that। तो इसी तरह हम acids के बारे में जानेंगे कि acids की physical properties कैसी है, अगर हम उनका physical overview करें तो वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहला है, जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन में, ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट। ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट, सबका टेस्ट कैसा होता है, सावर। सावर का पता है आपको, खट्टा टाइप का, ठीक है। उसके बाद मैंने जो भी आपको उसके एग्जांपल्स दिए थे सब में H2SO4, HCl, ओके लाइक दैट, तो सब में आपने क्या देखा था, सब में आपको हाइड्रोजन का प्रेजेंस, H मींस हाइड्रोजन, यानी सब में हाइड्रोजन था, यानी नंबर टू क्या होगा, दे कंटेन हाइड्रोजन। दे कंटेन हाइड्रोजन, उनमें क्या होता है, उनमें हाइड्रोजन होता है। उसके बाद अब आपको पता है कि अब हम सबसे तीसरा चीज क्या देखेंगे कि आखिर वो पानी में सोल्युबल होता है या नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड्स जो होते हैं वो वाटर में इजीली सोल्युबल होते हैं, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड, दे आर रीडली सोल्युबल इन वाटर। अब आपको पता है कि वाटर एक्चुअली कैसा होता है, वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, तो वाटर में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो वाटर कैसा हो जाएगा, तो दे मेक द वाटर एसिडिक, तो वाटर का भी नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। दे आर रीडली सोल्युबल इन वाटर, एंड यहाँ सोल्युबल वर्ड की जगह हम केमिस्ट्री का अगर अच्छा कोई वर्ड यूज करना चाहें तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सोल्युबल की जगह डिजॉल्व। दे रीडली डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व मतलब वो क्या हो जाता है, पानी में घुल जाते हैं बहुत अच्छे से। सोल्युबल भी वही हुआ, डिजॉल्व भी वही हुआ। दे रीडली डिजॉल्व इन वाटर एंड मिक्स वाटर एसिडिक, और वाटर को कैसा बना देते हैं, एसिडिक बना देते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज़ का, जैसे चीनी, चीनी का टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है, तो इस टाइप से क्या होगा कि अगर हम इसको टेस्ट करें, एसिड का टेस्ट करें कि वो एसिड ही है या कोई और है, तो उसको टेस्ट करने के लिए हमेशा एक इंडिकेटर हमें चाहिए। हम इंडिकेटर के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप इंडिकेटर से जुड़ा पॉइंट जान लीजिए कि इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन रेड कलर। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर आप कोई आयरन यानी लोहे का टुकड़ा अगर आप बाहर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसमें जंग लग जाती है, उस जंग को क्या कहते हैं, कोरोजन या रस्टिंग होना। उसमें क्या होता है, मेटल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो धीरे 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 कमजोर होना शुरू हो जाता है मॉइस्चर और ऑक्सीजन के। तो एसिड भी यही काम करता है, एसिड क्या करता है, किसी भी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें कोरोजन लगाना शुरू कर देता है, यानी एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, वो उनके ऊपर जंग लगाना शुरू कर देता है या उस मेटल को खाना शुरू कर देता है, उसको कमजोर करना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, दे आर कोरोसिव इन नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, तो कोरोसिव नेचर के होते हैं वो।
और हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो होगा, ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी उनसे होके पास हो सकती है। तो लिख लेंगे ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो सब के सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, आपने एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया, अब हम आगे देखेंगे बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को। चलो जल्दी लिख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलिए तो हमारा सबसे पहले, जैसे हमने एसिड्स में लिखा कि ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट, जस्ट लाइक दैट ऑल बेसिस हैव बिटर टेस्ट। ओके, ऑल बेसिस हैव बिटर, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होता है, ये टेस्ट में कड़वे होते हैं, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए कि बेस का एक और क्वालिटी है कि वो, मैंने डेफिनेशन में बताया था कि वो सोपी और स्लिपरी फील देते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम बोल सकते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस, सॉल्यूशंस ऑफ बेसिस गिव्स स्लिपरी फील, उनका फील कैसा होता है, स्लिपरी फील होता है, ठीक है। गिव स्लिपरी फील व्हेन रब्ड ऑन हैंड्स, तो जब जैसे आप उसको हाथ पे अपने रब करोगे तो उनका कैसा होगा, स्लिपरी होगा। जैसे आप किसी साबुन को अगर अपने हाथ पे रगड़ते हो तो कैसा होता है, फिसलता है, बहुत ज्यादा फिसलता है, ऐसा ही स्लिपरी इनका भी होगा, ठीक है। अब सारे एसिड्स जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन, लेकिन सारे बेसिस क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल होता है OH, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा NaOH, KOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब क्या थे, बेसिस थे। इसमें OH जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सिल है। तो हम जो अपना तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे कंटेन हाइड्रोक्सिल, दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। हाइड्रोक्सिल में लिख देता हूं आपको, हेल्प होगा, OH, ठीक है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप्स, तो उनमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एसिड ने क्या किया, आपका ब्लू लिटमस पेपर को इसने रेड कलर में चेंज किया, और बेस क्या करेगा, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन ब्लू कलर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये लिटमस क्या होता है, तो इसके बारे में जब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, जो हमें बताएगा कि एसिड और बेसिस कैसे डिफरेंट है, तो हम बताएंगे आपको ये लिटमस क्या होता है, इसका यूज क्या है, ठीक है। अब बेसिस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं कि वाटर में आराम से डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिस वाटर में डिजोल्व होते हैं उनका नाम कुछ अलग होता है, ठीक है। तो बेसिस विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, तो उनको अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, अल्कलीज कहते हैं, ओके, ठीक है, उनको अल्कलीज कहते हैं। वो जो बेसिस, जो भी बेसिस वाटर में डिजोल्व होते हैं वो क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार में रहते हैं, ठीक है, हमारा स्टेट बिहार है और हमारी कंट्री क्या है, इंडिया। इसी को समझिए कि एवरी बिहार, जो भी हम बिहार में रहने वाले, कि हर बिहार का आदमी एक भारतीय होगा, वो भारत देश का नागरिक होगा, लेकिन हर भारतीय जो होगा वो बिहार का नागरिक नहीं हो सकता है। यानी जितने भी बिहार के लोग हैं वो सब तो इंडियन हो सकते हैं, ऑल बिहारीज कैन बी इंडियन, बट ऑल इंडियंस कैन नॉट बी बिहारी, क्योंकि बहुत सारे लोग गुजरात के होंगे, कुछ मध्य प्रदेश के होंगे, कुछ यूपी के, कुछ बंगाल के, कुछ ओडिशा के, लाइक दैट। तो सेम ऐसा ही है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस, ऑल अल्कलीज आर
basis, but all bases are not alkalis. मतलब सारे अल्कलीज जो होंगे वो बेस होंगे, क्योंकि अल्कलीज वही होते हैं, वही बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो सारे अल्कलीज बेस होंगे, लेकिन कुछ कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन वो बेस तो होते हैं. इसलिए ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, इसलिए सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सारे अल्कली क्या होंगे, बेस होंगे. तो आपने देख लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ओके okay, ये आपके लिए काम आने वाला है. अब हम आगे चलेंगे जिससे हमको ये पता चल पाएगा कि एसिड और बेसिस के बीच में डिफरेंस क्या. हमने डिफरेंस तो देख लिया, ये एसिड और बेसिस के बीच में क्या डिफरेंस है. ऑल एसिड्स हैव सावर टेस्ट बट ऑल बेसिस हैव बिटर टेस्ट. दे कंटेन हाइड्रोजन बट दे कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. ओके, उसके बाद हमने देखा कि इट टर्न्स लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर बट बेसिस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर. दे आर कोरोसिव इन नेचर. और इनके बारे में क्या देखा कि ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बेसिस के बारे में ऐसा कुछ है कि बेसिस भी बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है, और क्या है कि देखिए दे आर रेडली डिजॉल्व इन वाटर. बेसिस में भी हर बेस क्या होगा कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन जो बेस वाटर में डिजॉल्व होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्कली कहेंगे. तो इस तरह से आप इनके बीच डिफरेंस, इनके बीच डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, इनका डिफरेंस भी बता सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में. चलिए इंडिकेटर्स वाले जानते हैं. अब इंडिकेटर वर्ड्स आप जानते होंगे, इंडिकेटर वर्ड सुन के ही आपके माइंड में आ रहा होगा कि इंडिकेटर आखिर इंडिकेटर क्या है. इंडिकेटर, ठीक है, अब सोचिए कि इंडिकेटर वर्ड की जरूरत हमें क्यों पड़ी. जैसे कि हमने इतने सारे पॉइंट्स जान लिए कि एसिड का ये, बेस का ये, तो फिर हम किसी भी चीज को बता सकते हैं उसके प्रॉपर्टीज से कि ये एसिड है ये बेस है. लेकिन जस्ट आप एक बार सोचिए कि अगर आपके सामने कोई केमिकल रख दिया जाए और आपसे पूछे कि ये एसिड है और बेस है, और आपके पास कोई लिटमस पेपर नहीं, आपके पास टाइम नहीं है उस पर एक्सपेरिमेंट करने का, आपको बताना है, तो आप क्या करिएगा. आप इस नेचर से तो नहीं बता सकते, डायरेक्ट तो उसको टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये सावर है, क्योंकि हो सकता है मे बी वो एसिड या वो बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और उससे आपको हार्म हो जाए. तो आप उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते, आप उसको स्मेल भी नहीं कर सकते, आप उसको छू भी नहीं सकते. ऐसे टाइम है जब हम, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर होगा तो हम इसी से टेस्ट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए वो सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन मान लेते हैं एक सॉल्यूशन ए है, ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो अगर हम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे और उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर मान लीजिए रेड हो गया, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, ये एसिड है. लेकिन अगर मान लीजिए हमने ब्लू लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाला और उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, यानी हम ये समझ लेंगे ये कलर चेंज नहीं हुआ, यानी ये क्या है, ये बेस है. ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसीलिए हमारे लिए इंडिकेटर्स की जरूरत होती है जिससे हमें ये पता चल सके कि वो एसिड है या बेस है बिना टेस्ट किए या बिना टच किए. ठीक है, तो हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तो फिलहाल हम दो चार इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहला है लिटमस एज इंडिकेटर नंबर वन. लिटमस एज इंडिकेटर, तो हम जानेंगे कि लिटमस क्या होता है. ठीक है, अब लिटमस क्या होता है इसके बारे में, और लिटमस हमें कहाँ से मिलता है. तो लिटमस जो होता है वो लाइचेन नाम का एक प्लांट होता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, और इसको फिर पेपर के फॉर्म में बनाया जाता है. इसको उस प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके इसको पेपर के फॉर्म में बनाया जाता है, या तो रेड कलर में या तो ब्लू कलर में, जैसा जिस चीज से आपको टेस्ट करना हो. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ, कौन से प्लांट से, लाइचेन के प्लांट से. ठीक है, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ लाइचेंस. ओके, इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर. उसके बाद इसको क्या कराया जाता है कि पेपर के फॉर्म में अवेलेबल करा दिया जाता है. ठीक है, इट इज ताकि आप उसको आराम से कैरी कर सके, आप उसको आराम से स्टोर कर सके और फिर आराम से टेस्ट कर सके. ठीक है, इट इज
अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर ब्लू एंड रेड। ये ब्लू और रेड में आपको मिल जाता है। तो अब हम ये जान लेंगे कि इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो आपको मैंने पहले भी लिखवा दिया, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा एसिड क्या करता है। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है। तो लिख लेते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन रेड। ओके, और बेस बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन ब्लू। और हमारा बेस क्या करता है, वो क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, ये हो गया आपका लिटमस का। दूसरा जो बात करेंगे बहुत कॉमन है हमारे लिए, वो है हमारा टर्मरिक। आपने टर्मरिक के बारे में बहुत सुना होगा, टर्मरिक हल्दी भी उसको कहते हैं, हिंदी में उसको हल्दी कहते हैं, टर्मरिक। ठीक है, ये टर्मरिक जो है वो भी हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, अब आपको पता है टर्मरिक का कलर क्या होता है, टर्मरिक का कलर येलो होता है। तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि अगर आपके कपड़ों पे कहीं हल्दी लग जाती है, ठीक है, और जब आप हल्दी के ऊपर अगर कभी एसिड डालोगे तो हल्दी का कलर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन आप देखते होगे जब आपकी मम्मी या आप उस क्लॉथ को धो रहे हो और जिस पॉइंट पे वो हल्दी लगा है, अगर वहाँ से वो आपका सोप या डिटर्जेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको आप लेते हो और वहाँ यूज़ करते हो, तो वो क्या हो जाएगा कि रेडिश ब्राउन में, ठीक है, रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का हो जाएगा। मैं समझ रहे ना, वो रेडिश ब्राउन हो जाता है, बिल्कुल उसका कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है येलो से, यानी वहाँ पे उसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमें बता रहा है कि अगर वहाँ एसिड का हम यूज़ करेंगे तो एसिड में टर्मरिक का कलर होगा, कोई चेंज कलर में आएगा, नो चेंज। ओके, टर्मरिक सोप no change in the condition of acid, but it turns into reddish brown or changes its colors to dark red when it comes in contact with base. जैसे ये बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा, ये अपना कलर क्या कर लेगा, डार्क रेड कर लेगा या डार्क ब्राउन कर लेगा, जैसे जितने अमाउंट में लगा होगा। ठीक है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं, remains unchanged on coming in contact with acid. Acid के contact में क्या होगा, इसका color unchanged रहेगा, and changes its color in dark red और रेडिस ब्राउन ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ अ बेस। जैसे ये बेस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये रेडिस ब्राउन हो जाएगा या डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, तो टर्मरिक के बारे में आपने जान लिया, इसको आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा। उसके बाद जो अगला हम देखेंगे इंडिकेटर, वो होगा हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी यही है कि अगर इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन के पास ले जाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नाम है तो इसे किस कलर का सॉल्यूशन होगा, ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होगा। तो जैसे ही हम इसको लेके जाएंगे एसिड तो ये कैसा हो जाएगा, पिंकिश रेड हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक और रेड के बीच का कहीं हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पिंकिश रेड हो जाएगा। और जैसे ही इसको हम बेस के पास ले जाएंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं,
ठीक है, तो क्या होगा कि कलर चेंजेस टू पिंकिश रेड व्हेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ एसिड, ओके, और कलर चेंजेस टू येलो व्हेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ बेस, तो बेस के कॉन्टेक्ट में आते ही इनका कलर, इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ओके ठीक है। अब चलिए अगला जो इंडिकेटर है वो हम देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला जो है वो एक लास्ट है, ठीक है, जिसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ वन है फेनोफ्थलीन। आपने फेनोफ्थलीन के बारे में पहले भी पढ़ा होगा कि ये क्या करता है कि अगर आप इसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लाएंगे और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वही है आपका। तो हमारा फोर्थ वन जो है वो क्या है, फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन का बॉल भी लोग यूज़ करते हैं घर में कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए, कपड़े के नीचे डाल के रखते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं। ठीक है, फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन के साथ क्या होता है कि जब ये एसिडिक के कंडीशन में आता है तो इसका कलर चेंज नहीं होता, यानी यहाँ भी आपने क्या कंडीशन देखा, बिल्कुल इसके तरह कि रिमेन्स अनचेंज्ड, ये बिल्कुल अनचेंज रहता है अगर एसिडिक के साथ आएगा तो। और जैसे ये बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, यानी बेस के कॉन्टेक्ट में आने से इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पिंक, और एसिडिक कंडीशन में इसका कलर नो चेंज, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं, तो लिख लेते हैं, इसमें भी यही सेंटेंस होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड, ओके। और यहां पे लिख लेते हैं बेस के बारे में, changes its color to pink, किस कलर में चेंज होंगे, पिंक में, फेनोफ्थलीन किस कलर में चेंज होगा, पिंक में, on pink to pink on coming in contact with beige, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि अगर ये बेस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो इनका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने चार इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम जानेंगे वो होगा हमारा सॉल्ट। चलिए चलिए सॉल्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स का अगर देखा जाए तो हिंदी मीनिंग होता है नमक, लेकिन एक्चुअली नमक नहीं होता है, सॉल्ट का मतलब नमक नहीं होता है। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट एक सॉल्यूशन होता है जो हमको मिलता है एसिड और बेस को रिएक्ट करने से। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें जो सब्सटेंस मिलता है वो क्या होता है, सॉल्ट, ठीक है। तो चलिए सॉल्ट का डेफिनेशन भी लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन सॉल्ट के डेफिनेशन लिखने से पहले आप ये जान ले कि सॉल्ट तो हमें कैसे मिलता है, सॉल्ट हमें मिलता है एसिड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स एंड इट फॉर्म्स अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो सॉल्ट का डेफिनेशन पहले जान लीजिए, अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस दैट इज एनायंस एंड कैटायंस। तो इसके बारे में जान लेते हैं, अ सॉल्ट, एक सॉल्ट जो होता है वो एक कंपाउंड होता है, सॉल्ट एक्चुअली एक कंपाउंड है क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो सॉल्ट कंपाउंड है और ये कैसा कैसे मिलकर बना होता है, जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायन, और एक निगेटिव आयन होता है जिसको हम कहते हैं एनायन, ठीक है। तो लिख लेते हैं, अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड, अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो अ सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ विच इज मेड अप
ऑफ, मैंने क्या होता था, इट इज मेडअप ऑफ टू अपोजिटली चार्ज, टू ग्रुप्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स, मेडअप ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, या टू मेडअप ऑफ ग्रुप्स ऑफ, ये भी कह सकते हैं मेडअप ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ, टू ग्रुप्स ऑफ ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, अपोजिटली ग्रुप्स ऑफ टू अपोजिटली चार्ज आयन्स, जिसमें हम कुछ भी कहते हैं, जिसका हम नाम जानते हैं, दैट इज एनायन्स एंड कैटायन्स, ठीक है, एनायन्स एंड कैटायन्स, ठीक है। अब देखिए एनायन्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, एनायन्स क्या होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये कैटायन हमारा पॉजिटिवली चार्ज, तो ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि एनायन जो होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज और कैटायन होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यहाँ फिलहाल हम इसको सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, एनायन एंड कैटायन, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत अच्छा सा, जैसे एक अच्छा सा आप बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस हमारा क्या था, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, और एक स्ट्रॉन्ग सा एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो ये हमें क्या देगा, NaCl प्लस H2O। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, तो सोडियम हमेशा पॉजिटिव आयन होगा और क्लोरीन हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि यहाँ पे Na क्या हो गया आपका कैटायन और क्लोरीन क्या हो गया एनायन, तो ये क्या था, सॉल्ट का यही डेफिनेशन है कि सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स, दैट इज एनायन एंड कैटायन, ओके, आपको पता चल गया। अब हम लोग जैसे हमने एसिड्स और बेसिस के प्रॉपर्टीज देखे थे, उसी तरह हम सॉल्ट्स के प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की प्रॉपर्टी को देखते हैं, चलिए, ओके okay, तो हमारा सॉल्ट का प्रॉपर्टी क्या होगा, हम जानते हैं कि सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है हमारा, तो लिख लेते हैं, सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन, किस प्रोसेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन, हाँ, सॉल्ट इज फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ये फॉर्म होता है, ठीक है। सॉल्ट्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ये तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सॉल्ट बहुत अच्छे से पानी में घुल जाते हैं, तो सॉल्ट्स आर mostly soluble in water, okay, ये क्या होते हैं, mostly water में soluble होते हैं, ठीक है। अब इनका, अब salt या तो basic salt हो सकता है या तो acidic salt हो सकता है, अब ये depend करता है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने क्या किया कि एक strong acid लिया और एक weak base लिया, तो यहाँ strong acid है वो क्या करेगा, weak base को dominate कर जाएगा, तो जो salt बनेगा वो हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। अब हमने क्या हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया और एक वीक एसिड लिया, तो यहाँ बेस डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। लेकिन अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं, इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड
बेस, एसिड और बेस के नेचर पे, एसिड और बेस का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा होगा, कैसा मतलब सॉल्ट का नेचर कैसा होगा। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो हम लोग को सबसे अच्छे से पता है कि सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कैसे कंडक्ट होते हैं, तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट करते हैं। अब हम अपना लास्ट टॉपिक आज का देखेंगे, वो होगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके चलिए देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, आप लोग बहुत अच्छे से पता है तो इसको लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसका नेचर कैसा होगा, मतलब जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे। तो इसका एक बेसिक फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं क्या होगा, देखिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। तो एसिड प्लस बेस क्या देगा ये हमको, तो ये हमको देगा सॉल्ट प्लस वाटर। आपने यहाँ भी वही देखा, एक इस एग्जांपल को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ तो आप लोग के लिए हेल्प होगा। तो इससे एसिड हमारा क्या हो गया यहाँ पे, HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बेस में हम लोग क्या लिखेंगे लेंगे, तो NaOH, क्या लेंगे NaOH, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब इनको हम रिएक्ट करवा लेते हैं तो हमारा सॉल्ट क्या बनता है, तो हमारा सॉल्ट बनेगा NaCl, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। और इसके साथ हमें क्या मिल रहा है, H2O, H2O हमेशा क्या होगा आपका H2O, मार्कर इज नॉट वर्किंग, H2 हमारा क्या होगा, वाटर, ठीक है। चलिए इसको नेमिंग को मैं फिर से अच्छे से कर देता हूँ, सोडियम क्लोराइड, ओके आपको समझ आ रहा है। तो हमें क्या मिला, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब ये रिएक्ट करता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हमें क्या मिलता है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमें और भी मिलता है, और वो क्या है कि जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमें हमेशा क्या मिलता है, हीट मिलता है, यानी उसमें गर्मी भी इवॉल्व होती है। तो लिख लेते हैं, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड, हीट इज ऑलवेज इवॉल्व, हीट हमेशा क्या होता है, हमेशा हीट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया सॉल्ट के बारे में, देख लिया सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को, देख लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लिया। अब हमारे लास्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एसिडिक बेसिक सॉल्ट, ठीक है, और पीएच वैल्यूज, और फिर इसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस को और कुछ और एग्जांपल्स देख लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें और हम अपने डाउट्स को हमारे सामने रखें, हम उनको क्लियर करेंगे।